अब एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट से है कि इसका एडमिन पैनल किस टाइप से होगा, कैसे काम करेगा, तो चलिए आपके डाउट्स भी क्लियर कर देता हूँ कि इसका एडमिन पैनल किस टाइप से रहेगा वो भी देख लेते हैं। इसका एडमिन पैनल का इंटरफेस बड़ा खूबसूरत सा है और इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिलने वाला है। आप यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद इसका जो एडमिन पैनल है, डेमो एडमिन पैनल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये डेमो एडमिन पैनल आप एक बार देख सकते हैं। ठीक, तो ये इसमें इसके अंदर जो एडमिन पैनल है जो काम करेगा आपका, ये कोऑर्डिनेटर पे काम करेगा, ये आपका एडमिन पैनल है। यहाँ पे आप सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, एक साथ आप इसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको पॉपअप लेना हो या कुछ इस तरह की कोई चीज़ें मैनेज कराना हो तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप ऑर्डर देख सकते हैं, आप यूज़र, यहाँ पे स्टोर्स, कितने स्टोर्स अवेलेबल हैं और रिसेंट ऑर्डर्स कितने अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा कितने सिटीज़ में अवेलेबल हैं वो सिटीज़ आप इसमें डाल सकते हैं, 2, 3, 4, 5 जो भी सिटी आपको ऐड करना हो बिल्कुल इजीली आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जस्ट आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट आप एड्रेस डालेंगे जो भी आप सिटी डालना चाह रहे हैं। अगर आप फुल एड्रेस भी डालना चाह रहे हैं फुल एड्रेस भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके अलावा यहाँ पे स्टोर्स का है, स्टोर्स आप मल्टीपल स्टोर्स ऐड करना चाह रहे हैं तो आप स्टोर्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टोर्स ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टोर्स का जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे स्टोर्स का नाम डालना पड़ेगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मेल आईडी, पासवर्ड, इसके अलावा क्या नाम है कि ये क्या मोबाइल नंबर है, स्टोर्स का नाम है, एड्रेस है, टाइमिंग कब से कब तक है, यानी कि आप स्टोर ओपनिंग टाइम कब है और क्लोजिंग टाइम कब है, कमीशन आप कितना रखना चाह रहे हैं उस स्टोर के पार्टिकुलर स्टोर पे अकॉर्डिंग। हाँ, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कमीशन रखना चाह रहे हैं तो आप किसी स्टोर पे 2% भी रख सकते हैं, किसी स्टोर पे 5% भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप जैसा चाहेंगे जिस हिसाब से चाहेंगे वैसा रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, इसका स्टोर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन अगर ऐड करना हो आप वो ऐड कर सकते हैं। इसका यूज़र जो है, अगर आप यूज़र देखना चाहें कि आप यूज़र कितने यूज़र्स अवेलेबल हैं नहीं है, वो आपके सारे एडमिन पैनल में यूज़र यहाँ पे मिलेगा। इनमें से किसी यूज़र को अगर आप डीएक्टिव करना चाह रहे हैं, एक्टिव करना चाह रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। इसका ड्राइवर का जितना ड्राइवर ऐड करना चाह रहे हैं या फिर आपका प्रेजेंट में जितना ड्राइवर ऐड है तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं। आप सब ऐड करना चाहे ड्राइवर के लिए, उसके लिए आपको या लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मेल आईडी, पासवर्ड, मोबाइल नंबर और इस तरह से एड्रेस, अगर और सिटी कौन सी सिटी में इसके ड्राइवर को ऐड कर रहे हैं और इसका ड्राइवर का जो है कि एक आपको लोगो लगेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ड्राइवर को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, चाहे वो स्टोर्स के सारे स्टोर्स के कितने ऑर्डर्स आए नहीं आए, कितने कैंसिल हुआ, कितना एक्टिव हुआ, कितना डिलीवर हुआ, वो सारे ऑर्डर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कैटेगरीज हैं, कितने कैटेगरीज आपके मेन कैटेगरीज हैं, कितने सब कैटेगरीज हैं, कितने, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये सारी आपके मेन कैटेगरीज हैं, हम मेन कैटेगरी आप अपने हिसाब से या आइकॉन वगैरह सब आप चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ईजी ऑप्शन है। जस्ट आप क्रिएट क्लिक करें और अपना मेन कैटेगरी ऐड करें, मेन कैटेगरी ऐड करने के बाद यहाँ पे अपना कैटेगरी का नाम डालें, पिक डालें, उसके बाद मेन कैटेगरी ऐड करने के बाद आप सब कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रोसरी है, अब ग्रोसरी के अंदर आटा, चावल, दाल, ये सब जो है सब कैटेगरी में आ जाता है, तो आप उस टाइप से भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जब आप सब कैटेगरी ऐड करेंगे तो सब कैटेगरी ऐड करने के लिए आपको पहले मेन कैटेगरी चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाएगा, फिर उसके बाद सब कैटेगरी का नाम डालेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स की बात करें, कितने प्रोडक्ट्स आपके स्टोर्स पे अवेलेबल हैं, क्या पूरा जो आप स्टोर्स अवेलेबल हैं वो सारे स्टोर्स में कितने प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं नहीं है, वो सारे प्रोडक्ट्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कोई ऐसा प्रोडक्ट्स जो आपके स्टोर्स के लिए क्या अच्छा नहीं है या आपके स्टोर को वो प्रोडक्ट्स मैच नहीं करता है तो भी आप उसको क्या कर सकते हैं, डीएक्टिव कर सकते हैं, यानी आप उस प्रोडक्ट्स को दिखाना ना चाहें तो नहीं दिखा सकते। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपका पेमेंट का ऑप्शन है, या आप पेमेंट आप इसमें मल्टीपल पेमेंट लगा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेमेंट आप मल्टीपल पेमेंट लगा सकते हैं, चाहे इंडिया में है रिजर्व पे है, पेटीएम है, इंस्टा मोजो है, पे स्टी वगैरह है, आउट ऑफ इंडिया है, स्ट्राइप वगैरह है, पेपाल है, ये सब आउट ऑफ इंडिया में आप लगा सकते हैं। आप एट ए टाइम 5-6 पेमेंट गेटवे भी एक्टिव कर सकते हैं। इसका मल्टीपल लैंग्वेज की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप मल्टीपल लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हैं, यानी चाहे अरेबिक हो, रशियन हो, पर्शियन हो, या फिर आपका कोई भी लैंग्वेज जो ऐड करना चाहें वो आप ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए बड़ा इजी ऑप्शंस हैं, बस जस्ट क्रिएट अ न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करना है और लैंग्वेज पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लैंग्वेज का नाम डालना है और ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है वो आप यहाँ पे मेंशन करना है और यहाँ पे उसका आइकॉन, लैंग्वेज का आइकॉन डालना है या फ्लैग डालना है।
जो भी डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो मल्टीपल बैनर्स वगैरह हैं, आप जो देख सकते हैं यहाँ पे जो बैनर्स लगे हुए हैं, ये सारे बैनर्स आप अपने अकॉर्डिंग जब चाहें जिस हिसाब से चाहें चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल ईजिली चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से डला हुआ है, आप ये सारे बैनर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप कूपन की बात कर लें तो कूपन भी इसके अंदर का आप जब चाहें जिस हिसाब से चाहें कूपन क्रिएट कर सकते हैं, चाहे 2% हो, 3% हो, 5% हो, जिस हिसाब से कूपन डिस्काउंट देना चाह रहे हैं तो भी आप कूपन डिस्काउंट दे सकते हैं। कूपन के डिस्काउंट देने के लिए आपको यहाँ पे लगेगा कूपन का कोड, फिर डिस्काउंट कितना आप देना चाह रहे हैं, मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए उस कूपन के लिए, अप टू कितना होना चाहिए, डिस्काउंट टाइप क्या क्या है, क्या परसेंटेज है, फ्लैट है, या कब से कब तक है, डेट कब एक्सपायर होगा, और उसके बाद इसमें आप इस कूपन का कोई इमेज लगाना चाहें इमेज लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप नोटिफिकेशन का देख लें, नोटिफिकेशन का आप अपने ये जो नोटिफिकेशन है अपने स्टोर्स को भेजना चाहें भेज सकते हैं, अपने यूजर को भेजना चाहें भेज सकते हैं, ठीक है। इसका सपोर्ट्स हैं, आप ऑनलाइन सपोर्ट्स भी चैटिंग सिस्टम अवेलेबल है कि इसके अंदर सपोर्ट के फीचर्स भी अवेलेबल हैं, ठीक है। आप किसी भी स्टोर्स से आप बात करना चाह रहे हैं या कोई स्टोर कुछ गलत कर रहा है उसको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं तो उनको जस्ट आप स्टोर का सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करके उनसे बात कर सकें बात कर सकते हैं, या फिर कोई स्टोर्स आपसे कोई बात करना चाह रहा है लाइव लाइव तो भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप कॉन्टैक्ट के इसमें जाएंगे, कॉन्टैक्ट का ये सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं, सारी डिटेल्स अवेलेबल हैं, उसका स्टोर्स स्टेटस कौन से स्टोर्स बंद हैं, कौन से स्टोर्स क्या नाम है ऑन हैं, ये सारे स्टोर्स जो आप आराम से ईजिली आप इसको मैनेज कर सकते हैं, या फिर इसका स्टोर कब से कब तक ओपन रहेगा बंद रहेगा, यानी कि ये आपका जो वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है कब से कब तक ऑन रहेगा, और ये वो चीज़ आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बात कर लें, हाँ यहाँ पे जैसे कोई भी स्टोर्स आप उसमें चूज़ करना चाहें तो आप उसमें चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पार्टिकुलर किस स्टोर्स का टाइप डेट एंड टाइम सेट करना चाहें ये देखें, यहाँ पे स्टोर चेक करेंगे उसके साथ साथ कर सकते हैं। इसका डिलीवरी स्टेटस, डिलीवरी के अंदर क्या है यहाँ पे अगर आप देखना चाहेंगे डिलीवरी का तो कौन से डिलीवरी बॉय हैं अब अवेलेबल हैं नहीं है जो भी है ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। आप कमीशन बेस पर डिलीवरी बॉय रखना चाह रहे हैं वो भी रख सकते हैं, और अगर ये रखना चाहें ये भी रख सकते हैं, ठीक। तो इस तरह की चीज़ें थी आपका यहाँ पे देख लीजिए, इसमें इसके अलावा यहाँ पे लैंग्वेजेस का आ गया, तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ डाउट्स हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, या फिर कोई चीज़ आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, ईजिली पूछ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये अगर आप इस तरह से बनवाना हो तो बनाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या तो जी हाँ। तो इस तरह का ये सारी चीज़ें थी कि आपने जो देखा ये सब कुछ ये बास्केट की तरह से देखा, अगर आप ये चीज़ें देखना चाहें आप देख सकते हैं, मैं ये सब वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप इजीली ये सारी चीज़ें बिल्कुल अपने हिसाब से आप देखना चाहें देख सकते हैं। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। आपने जान लिया कि इस लंबे लॉकडाउन के बाद किसी भी बिजनेस को ऑनलाइन लाना कितना इम्पोर्टेंट है, ई कॉमर्स हो चाहे किराना को हो या ग्रोसरी स्टोर का हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग का हो, ऑनलाइन क्लॉथिंग का हो, सिंगल वेंडर हो, मल्टी वेंडर हो, किसी भी टाइप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं और उसको अगर आप ऑनलाइन नहीं लाए हैं या ऑनलाइन आपने किया नहीं है, अगर आपकी सोच है कि आप बिजनेस को ऑनलाइन लेके आए तो इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि आपको यहाँ पे हर चीज अवेलेबल है, चाहे आप वेबसाइट बनाना चाहें, चाहे आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाना चाहें, चाहे आपको ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाना हो या सर्विसेज का प्लेटफॉर्म बनाना हो। सिर्फ यही नहीं, बिजनेस को सेटअप करने के बाद, ऑनलाइन लाने के बाद उसका प्रमोशन करना, इसके लिए कैपिटल टेक्नोलॉजी आपको जबरदस्त ऑफर दे रहा है कि यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी चीजें ए टू जेड अवेलेबल है, ठीक। अब बिजनेस सेटअप करने से लेकर प्रमोशन करने तक फिर देर किस बात की, आज ही बुक कीजिए और पहले आइए पहले पाइएगा हिस्सा बनिए।